नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बड़े स्टार का कोई गाना रिलीज होता है यूट्यूब पे तो वह म्यूजिक सेक्शन या फिर नाव पे ट्रेंड करता है, लेकिन आपने यह बहुत ही कम देखा होगा कि किसी स्टार का गाना रिलीज हुआ हो, ट्रेंड ऑलरेडी कर चुका हो, काफी लोगों ने उसे पसंद किया हो और उसे फिर से रीअपलोड किया गया हो और वह भी गाना ट्रेंड कर रहा हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ है पावर स्टार पवन सिंह के गानों के साथ। गानों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक गाना दो गाना नहीं बल्कि तीन तीन गानों ने ऐसा अभी हाल फिलहाल में ही ट्रेंड किया है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना रीअपलोड किया गया है। अभी वह गाना माम बाप फिल्म से कुछ ही दिन पहले रिलीज किया गया था, जिसका नाम है एही खातिर आरा आइले, जो कि अनुपमा यादव के साथ में पावर स्टार पवन सिंह ने गाया था। वह गाना फिर से रीअपलोड किया गया है पवन सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से और अभी यह ट्रेंड कर रहा है। रीअपलोड किया गया है फिर से गाना। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही एक और हुआ, तुमसा कोई प्यारा, जो कि टिप्स भोजपुरी म्यूजिक कंपनी से पावर स्टार पवन सिंह ने प्रियंका सिंह के साथ में गाया था, उसे फिर से रीअपलोड किया गया है, लिरिक्स वीडियो बना के वह भी ट्रेंड कर रहा है। और ऐसा ही अभी न्यू ईयर के टाइम पे हुआ था, पवन सिंह का पुराना गाना था चीर दूंगा फाड़ दूंगा करके, गाना न्यू ईयर पे पवन सिंह ने गाया था, उसे इस साल रीअपलोड किया गया था फिर से पवन सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। गाने का नाम था बेबी को बियर पसंद है और उस गाने ने भी ट्रेंड किया था। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी कमाल की बात है कि रीअपलोड किया हुआ भी पावर स्टार पवन सिंह का गाना यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आपकी क्या है राय, क्योंकि जब नया गाना रिलीज होता है तो किसी ने देखा नहीं होता है, तो पवन सिंह के बहुत सारे फैन हैं या भोजपुरी को सुनने वाले हैं तो वो उस गाने को देखते हैं तो ट्रेंड करता है, लेकिन सुना हुआ गाना, देखा हुआ गाना फिर से ट्रेंड करना यह बहुत बड़ी बात है मेरी समझ से। आप क्या कहते हैं, कॉमेंट जरूर करें। धन्यवाद।